वादा तो किया गया था कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष, ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा है। तो इसलिए वो दावा जो है केवल खोखला दावा है। इसलिए हम उस दावे की पोल खोलते हुए कह रहे हैं कि भाई 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस दौर में है। तमाम जगहों पर देखेंगे तो पता चलेगा कि लगातार पॉलिटिक्स का जो है अखाड़ा यूनिवर्सिटीज बनती हुई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से सरकार ऑटोक्रेटिक होकर के एकदम निरंकुश होकर के जिस तरीके से फंक्शन करती है, वो सच में जो है एक डरावनी चीज है जो कि नहीं देखा गया था अब तक। ये पहली बार है जब सरकार प्रोटेस्ट को क्रश करने की कोशिश करे। ऐसे अलग अलग जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं जो कि ये समझिए कि डेंजरस है। इस देश की ये नीड नहीं है कि आप स्ट्रक्चरल चेंजेस करें, जरूरत इसकी थी कि आप अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, जो कि जिसमें कि ये सरकार मोदी सरकार फेल रही है। मोदी सरकार लगातार आपके रिसोर्सेज को छीन रही है, रोजगार को छीन रही है, उसके साथ साथ एजुकेशन को महंगा कर रही है। इसलिए जरूरत है कि इस सरकार के खिलाफ लामबंद हो और अपने हक और हुकूक के लिए लड़े। नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं DU के प्रोफेसर जितेंद्र मीना जी। जिस तरीके से भाजपा सरकार को 10 साल हो चुके हैं, वहीं युवाओं के 10 सवाल भी उठ रहे हैं साथ ही साथ। तो वो 10 सवाल क्या हैं, इसी को लेकर हम इनसे बातचीत करेंगे। तो पहले बताइए कि 10 सवाल क्या हैं, जिस तरीके से भाजपा सरकार को 10 साल हो चुके हैं तो उसमें आप 10 सवाल भी उठा रहे हैं, तो क्या सवाल हैं वो? देखिए, ये सवाल बेसिकली नौजवानों से जुड़े हुए सवाल हैं कि जिस तरीके से एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में फ़ी हाइक हो रही है लगातार, पिछले सालों में हम देखें तो तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल और कॉलेजेस के अलग अलग जगहों पर देख ली तो लगातार बहुत तेज़ी से फ़ी हाइक हो रही है। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि जिस तरीके से फ़ी हाइक हो रही है और यूनिवर्सिटीज़ को फोर्स किया जा रहा है कि आप लोन बेस्ड एजुकेशन चलाइए, तो ऐसे में ये एजुकेशन जो खास करके पैसे वालों के लिए होती हुई दिख रही है, इलीट्स के लिए होती हुई दिख रही है, और उसके चलते जो लगातार ST SC OBC जो इन इंस्टीट्यूशन से बाहर होता हुआ दिख रहा है, ये सवाल उनकी तरफ से है कि आप इस पर रोक लगाएं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को फंड देना जारी करें, फी हाइक को कंट्रोल में करें। ये एक सवाल है जी। उसके साथ साथ दूसरा रोज़गार का सवाल है कि जब 2014 में वो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट थे तो उन्होंने कहा था कि वो 2 करोड़ रोज़गार प्रतिवर्ष देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हमने देखा कि लगातार बेरोजगारी अब अपने चरम पर है। पिछले 45 साल में सबसे हाईएस्ट रेट उसका बेरोजगारी का चल रहा है। तो दूसरा सवाल हमारी तरफ से रोजगार का सवाल था। अब रोजगार का एक सवाल कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ भाजपा सरकार ने ये भी बोला है कि हम योग्यता के आधार पर नौकरियां देंगे, मतलब 110,000 वो योग्यता के आधार पर नौकरियां दे चुके हैं, उनका ये भी कहना है साथ ही साथ। आप कह रही हैं कि योग्यता के आधार पर 110,000 नौकरियां, लेकिन वादा तो किया गया था कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष, ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिखता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। तो इसलिए वो दावा जो है केवल खोखला दावा है। वो एडवर्टीजमेंट में दिखता है लेकिन ग्राउंड पे नहीं दिखता है। तो इसलिए हम उस दावे की पोल खोलते हुए कह रहे हैं कि भाई 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इस दौर में है। अग्निपथ स्कीम का देख लीजिए, रेलवे में रोजगार का देख लीजिए, बैंकिंग सेक्टर में देख लीजिए और तमाम पब्लिक सेक्टर्स में देख लीजिए, तो रोजगार आपको कम्प्लीटली नज़र नहीं आएगा जी। और एक ये भी कहा जा रहा है कि प्रोफेसर को बहाली की जा रही है, मतलब निकाल दिया जा रहा है उनको और उसकी जगह ABBP और RSS के लोग भरे जा रहे हैं इसमें, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एजुकेशन के सेफ्रोनाइजेशन को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। तो एजुकेशन के सेफ्रोनाइजेशन को लेकर जब बात करेंगे तो पता चलेगा कि लगातार हाईली पोलिटिकली मोटिवेटेड होकर के जो है बाहर के लोगों को जो करंट रिजीम है उससे जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लोगों को जो है रिक्रूट किया जा रहा है। और ये इसलिए क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से लोग आए और उनका जो पॉलिटिकल एफिलिएशन देख रहे हैं, उनके बैकग्राउंड्स को चेक करेंगे तो पता चलेगा कि खास करके। तो इसलिए ये सवाल भी है कि डेमोक्रेटिक स्पेस को बचाए रखने के लिए भी ये ज़रूरी है कि हम लोग जो है जो डिफरेंट डिफरेंट वॉइसेज हैं, जो सोसाइटी के अलग अलग सेगमेंट के जो लोग हैं जिनका एफिलिएशन किसी के साथ भी नहीं है लेकिन वो एलिजिबल हैं, योग्य हैं, उन सबको भी जो है नौकरी का पार्ट बनाए जी। मतलब ऐसा लग रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में राजनीति की जा रही है भाजपा सरकार द्वारा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं, देश के पूरे तमाम यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ें दिख रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी तो सिर्फ एक एग्जांपल है लेकिन देश के बाकी हिस्सों में देख लीजिए, IITs में देख लीजिए तो वहाँ पता चलेगा कि जिस तरीके से एक्सक्लूजन हो रहा है, ST SC OBC को बाहर किया जा रहा है। आप IITs में देख लीजिए, तमाम जगहों पर देखेंगे तो पता चलेगा कि लगातार पॉलिटिक्स का जो है अखाड़ा यूनिवर्सिटीज़ बनती हुई जा रही है, उसमें DU भी एक पार्ट जी।
तो मतलब आंकड़े क्या बता रहे हैं, मतलब कितने लोग, मतलब कितने प्रोफेसर को निकाल दिया गया है या कोई डिपार्टमेंट से निकाला गया है एग्जैक्ट? एज सच गवर्नमेंट की तरफ से कोई आंकड़े अभी तक नहीं आए, यूनिवर्सिटी ने भी कोई आंकड़ा नहीं दिया है, लेकिन जो इंडिविजुअल्स ने जो आंकड़े कलेक्ट किए हैं, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने आंकड़े कलेक्ट किए, उसमें पता चले कि लगभग 50% के आसपास टीचर्स हैं जिन्हें बाहर कर दिया गया, इंस्टीट्यूशन से बाहर कर दिया। कुछ ऐसे थे जो अंदर के अंदर वहीं एक जगह से दूसरी जगह रिसफल कर दिए गए, लेकिन 50% के आसपास टीचर्स ऐसे हैं जिन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मतलब कितने साल से नौकरी कर रहे थे? इसमें आप देखेंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको दशकों हो चुके हैं, कई लोग ऐसे थे जिनको पर्सनली हम लोग जानते हैं, 23 से 24 साल तक हो चुके हैं टीचर्स को, उन्हें सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो बड़ी तादाद में एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, अगर एक एवरेज उम्र भी निकालेंगे जितना उनका एक्सपीरियंस है, तो लगभग 9 से 10 साल उनका एक एवरेज निकल करके सबका सामने आता है जी। तो मतलब आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोगों को एक बड़ा मतलब प्रदर्शन करना चाहिए इसके खिलाफ, क्योंकि जो सरकार है 2024 के लोकसभा के चुनाव भी नज़दीक हैं, तो बड़ा प्रदर्शन करना चाहिए? जी वो बिल्कुल दिख रहा है, लगातार आप देखेंगे तो पता चलेगा कि लगातार प्रोटेस्ट होते रहे, पहले भी होते रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर भी, UGC से लेकर तमाम जगहों पर, लेकिन देखिए प्रोटेस्ट लगातार जारी है, इलेक्शंस भी चल रहे हैं और वो सारी चीज़ें आएंगी आने वाले दिनों में, रोजगार का सवाल आएगा, चाहे सेफ्रनाइजेशन का हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ का सवाल हो, वो लगातार आएंगे ही आएंगे, हम लोग लगातार करें। लेकिन जिस तरीके से सरकार ऑटोक्रेटिक होकर के, एकदम निरंकुश होकर के जिस तरीके से फंक्शन करती है, वो सच में जो है एक डरावनी चीज़ है, जो कि नहीं देखा गया था अब तक। ये पहली बार है जब सरकार प्रोटेस्ट को क्रश करने की कोशिश करे, तो ये एक चीज़ भी सबके सामने जी। मैं एक और सवाल लेना चाहूँगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, उस पर आप क्या माने, जिस तरीके से मतलब BA जो था 3 साल का होता था, अब 4 साल का मतलब कह रहे हैं होगा, और मास्टर्स जो है 2 साल की 1 साल की कर दी जाएगी, उस पर आपका क्या विचार? देखिए NEP को जिस तरीके से लागू किया गया, फ्रेमवर्क बनाया गया, लेकिन विदाउट डिस्कशन पार्लियामेंट में उसको ऑर्डर की फॉर्म में ले आया गया, और उसके बाद में पूरा स्ट्रक्चरल चेंजेस हुआ है, वो स्कूल एजुकेशन में हुआ है, वो हायर एजुकेशन में हुआ, BA का तो एक एग्जांपल आप दे रही हैं, लेकिन जैसे MPhil के कोर्स को ख़त्म कर दिया गया, जो 2 साल का एक रिसर्च कोर्स होता था उसको ख़त्म कर दिया गया, BEd को बढ़ा करके 4 साल का किया जा रहा है, 2 साल का कहीं जगह 2 साल का कर दिया गया, इंटीग्रेटेड में 5 साल का हो जाएगा। तो ऐसे अलग अलग जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, जो कि ये समझिए कि डेंजरस है, इस देश की ये नीड नहीं है कि आप स्ट्रक्चरल चेंजेस करें, ज़रूरत इसकी थी कि आप अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, जो कि जिसमें कि ये सरकार, मोदी सरकार फेल रही। इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो 6th क्लास स्टैंडर्ड में जो बच्चा होगा उसको बिजनेस इंटर्नशिप्स कराई जाएंगी, तो ये कहाँ तक सही है कि 6th क्लास में इंटर्नशिप दे देना? देखिए एक चीज़ ये समझिए कि बच्चे के स्कूल का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था, ये था कि बच्चे को शुरुआती दौर में सीखने दिया जाए, वो चीज़ें सीखता है, वो सोसाइटी में रहना सीखता है, दोस्तियां करना सीखता है, इधर उधर जो खेलना कूदता सीखता है। अब आप दरअसल इंटर्नशिप के नाम पर उस पर ऊपर एक एक्स्ट्रा वर्डन डाल रहे हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप 6th स्टैंडर्ड में जो आप एक्स्ट्रा वर्डन डाल रहे हैं, क्या चीज़ सिखाने जा रहे हैं, किस तरीके की इंटर्नशिप दे रहे हैं उसको? आप वही इंटर्नशिप देंगे जो सोसाइटी के भीतर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग, कुम्हार का बच्चा, बढ़ई का बच्चा और सुनार का बच्चा, लोहार का बच्चा ऑलरेडी उस प्रैक्टिस में है, वो जानता है, उसको इंटर्नशिप की ज़रूरत नहीं है। आप यही सिलाई का, कढ़ाई का और यही सिर्फ सिखाना चाह रहे हैं, ये तो ऑलरेडी वो जाना है, इसके लिए उसको इंटर्नशिप की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी जानता है ये चीज़ है और वो अपने परिवारों में यही देखता है, लेकिन इंटर्नशिप के नाम पे आप एक्स्ट्रा वर्डन डाल रहे हैं, कुछ फैंसी टर्म्स लेकर कह रहे हैं जी। तो अब एक आखिरी सवाल, अब युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे इसके माध्यम से? देखो बहुत क्लियर कट संदेश है, मोदी सरकार लगातार आपके रिसोर्सेज को छीन रही है, रोजगार को छीन रही है, उसके साथ साथ एजुकेशन को महंगा कर रही है, इसलिए ज़रूरत है कि इस सरकार के खिलाफ लामबंद हो और अपने हक और हकूक के लिए लड़ें, अपने इंस्टीट्यूशंस को बचाएं, अपने एजुकेशन को बचाएं, अपने पब्लिक सेक्टर को बचाएं जी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखा आपने किस तरीके से जितेंद्र मीना जी ने सभी सवालों के जवाब बहुत ही सूझबूझ से दिए हैं, तो इस पे आपके क्या विचार हैं हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।